में इस बार कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है, यह सवाल पूरे सूबे में हर किसी की सुबह पर सवार है। लोग आकलन भी कर रहे हैं। वहीं न्यायधानी बिलासपुर की बात की जाए तो यहां की 6 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं कि जिनका आकलन करने में राजनीति के पंडित भी चकराने लगे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी सीटें हैं जहां पूरे प्रदेश की नजरें बनी हुई। बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं जिनमें बिल्हा, बिलासपुर, बिलतरा, कोटा, मसूरी और तखतपुर विधानसभा सीट शामिल है। इनमें 3 सीटों पर मुकाबला टाइट माना जा रहा है। तखतपुर की बात करें तो यहां बीजेपी ने जोगी कांग्रेस से भाजपा में आए धर्मजीत सिंह को उतारा है, लेकिन भीतरघात का डर भी यहां बना हुआ है। जबकि कांग्रेस की सिटिंग MLA रश्मि सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी बातें उठी जरूर, लेकिन जनता सरकार से ज्यादा नाराज नजर नहीं आई। अब ऐसे में नतीजों को लेकर यहां कश्मकश के हालात बने हुए हैं। 3 ऐसी सीटें तो गिनी जा सकती हैं जहां पर स्थिति अभी भी बढ़ोत उहापोह की बनी हुई है। उसमें पहली सीट तो बिलासपुर जिले की बिलासपुर सीट ही है जो शहर की सीट है। पिछली बार यहां जिस तरीके से शैलेश पांडे ने एक तरफा जीत हासिल कर ली थी और मंत्री अमर अग्रवाल को हरा दिया था, इस बार थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है। इसी तरह कोटा विधानसभा सीट भी है जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल कही जा रही है। वजह है CM के करीबी अटल श्रीवास्तव का मैदान में होना, जिनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के बेटे प्रबल प्रताप से है। लेकिन यहाँ जोगी कांग्रेस से सिटिंग MLA डॉक्टर रेणु जोगी 5वीं बार फिर से ताल ठोक रही हैं, लिहाजा मामला त्रिकोणीय है और यहाँ भी सियासी पंडित अपने आकलन में हैं। बिलासपुर विधानसभा वो तीसरी सीट है जिसमें कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तखतपुर में वहाँ जो अभी स्थानीय विधायक है उसके खिलाफ में काफ़ी जनता में नाराजगी देखी गई, उन विशेषकर उनके व्यवहार को लेके। कोटा में तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है क्योंकि वहाँ बीजेपी प्रत्याशी को बहुत कमज़ोर मान के चल रहे थे। कमज़ोर इसलिए मान के चल रहे थे क्योंकि वो जसपुर से आगे चुनाव लड़ रहे थे, यदि वो कोटा के होते तो शायद मजबूत होते। बिलासपुर विधानसभा वो तीसरी सीट है जिसमें कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहाँ का वोटर इस बार इतना साइलेंट रहा कि मतदाता के मन की बात को पढ़ने वाले राजनीति के चाणक्य भी मौन पड़ गए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार वोट प्रतिशत 4% कम रहा, जो सरकार के पक्ष में माना जाता है। तीनों में 3 दिसंबर को ही क्लियर होगा कि एक्चुअल में किस ओर बाजी पलटी। अभी तो तीनों कांटे की टक्कर है, अभी खाली यही चर्चा जहां भी बैठो। फिलहाल राजनीति विश्लेषकों, गणितज्ञों और लोगों की लगातार ओपिनियन ने कोटा, बिलासपुर और तखतपुर के बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के दिल की धड़कन को बढ़ा रखा है और वो तभी सामान्य हो पाएंगे जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उमेश मौर्य, न्यूज 18, बिलासपुर।